प्रेस क्लब रामगढ़ में पौधारोपण का आयोजन किया गया। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक ने 75वां आजादी का अमृत उत्सव पर किया पौधारोपण। रामगढ़, पौधा सिर्फ वातावरण को स्वच्छ और क्षेत्र को हरा भरा ही नहीं रखता, बल्कि यह आपके जीवन में भी हरियाली लाता है। आप जहां रहते हैं वह क्षेत्र जब हरा भरा होता है तो स्वतः आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इसलिए हर इंसान को पौधा जरूर लगाना चाहिए। प्रेस क्लब रामगढ़ का यह महाअभियान जिले के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगा। उक्त बातें रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने प्रेस क्लब रामगढ़ में आयोजित पौधारोपण अभियान को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब रामगढ़ में उन्हें भी पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन अभियान में हिस्सा बनने का मौका दिया। इसके लिए वे पीसीआर के आभारी हैं। मौके पर क्लब के अध्यक्ष ने भी कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक के शामिल होने पर खुशी जताते हुए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। कार्यक्रम से पहले पुलिस अधीक्षक का स्वागत क्लब के अध्यक्ष मनोज सिंह और सदस्य प्रदीप राज बबलू ने बुके देकर किया। स्वागत अभियान के बाद क्लब परिसर में एसपी पीयूष पांडे, रोटरी क्लब के वरीय पदाधिकारी प्रवीण राजगढ़िया, राहुल राजगढ़िया, करुणा राजगढ़िया, प्रेस क्लब रामगढ़ के अध्यक्ष मनोज सिंह, सचिव योगेंद्र सिन्हा, संयुक्त सचिव दीपक साहू, कोषाध्यक्ष तरुण बागी, कार्यकारिणी सदस्य दुर्वेज आलम, मोहम्मद वली उल्ला, दिनेश कुमार, विनीत शर्मा के अलावा प्रदीप राज बबलू, दिलीप सिंह, संजय शुक्ला, प्रदीप कुमार दीपक, अंकित कुमार, विनोद मुंडा, सौरभ नारायण सिंह, श्रीकांत कुमार, धनेश्वर कुंदन, हीरा सिंह, एमडी अयूब केतु सिंह, राजू रजवार, मोहम्मद वजाहत, धीरू कुमार आदि ने बारी बारी कर पौधा लगाया। लगाए गए हैं जो हमारे जलवायु के लिए, हमारे धरती के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ इस प्रेस क्लब के परिसर की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। मैं प्रेस क्लब को और प्रेस क्लब से जुड़े हुए सभी पत्रकारों को, हमारे सभी जितने मीडिया के ग्रुप हैं, सभी को मैं